हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के इस गेम प्ले में हम जो है अपनी न्यू थार को बाय करेंगे और आपको लैम्बोर्गिनी की अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। बाकी मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख ही पा रहे होंगे इसकी अभी रिसेंटली अपडेट आई है, जिसके अंदर हमें बहुत ही बढ़िया किस्म की जो है अपडेट देखने को मिली है। इसके अंदर हमें न्यू कार्स मिली हैं और न्यू भाई सिटी देखने को मिल गया है और करेक्टर भी हमें देखने को मिल गया है। तो बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई इसकी अपडेट तो आ गई है, लेकिन लैम्बोर्गिनी की अपडेट कब हमें मिलेगी? तो जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। तो आपको पता ही होगा, रोहित भाई ने हमारी इंडियन कार सिमुलेटर 3D की जो डेट थी वो बताई थी 1 फरवरी को, लेकिन भाई वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वो आई थी 2 फरवरी को। तो लैम्बोर्गिनी की अपडेट वैसे रोहित भाई ने बताया हुआ है 10 फरवरी को, लेकिन हो सकता है वो लेट हो जाए, अभी कोई कन्फर्म है नहीं। क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब प्ले स्टोर पर कोई भी अपडेट लाई जाती है तो वो पहले रिव्यू करता है, अगर कोई इश्यू हो तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो इंडियन कार सिमुलेटर 3D की अपडेट में यही सीन हुआ है। रोहित भाई ने अपडेट जो थी वो तो टाइम से अपलोड कर दी थी, लेकिन उसका थोड़ा SDK का इशू आया था, जिसकी वजह से प्ले स्टोर ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी कोई कन्फर्म नहीं हो रहा लैम्बोर्गिनी की अपडेट का। 10 फरवरी वैसे कन्फर्म है रोहित भाई की तरफ से, अगर कोई इशू नहीं आता तो आपको 10 फरवरी को लैम्बोर्गिनी की अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगर उसमें कोई भी इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर चले जाएँ, लेकिन कोई अभी कन्फर्म नहीं है। तो मुझे जिसने भी मैसेज किया था, आप सबको उसका जवाब मिल गया। तो आपको इस गेम का पता ही होगा, इसकी अभी एक अपडेट है जिसके अंदर हमें न्यू सिटी बहुत ही बढ़िया किस्म का मिल गया है। तो इसके अंदर भाई जो क्वींस हैं वो जो मतलब आप इसको गाड़ियों को बैक करना है, तो एक मैंने शॉर्टकट आपको बताया था जिसको आज दोबारा से हम जाने वाले हैं उस क्वींस के पास। तो अगर उस क्वींस को आप कलेक्ट करते हैं तो आपको जो है 20,000 क्वींस मिल जाते हैं। तो इसके अंदर बाकी कलर चेंज का भी ऑप्शन है, आपको पता ही होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये गाड़ी जो है अनलॉक की थी, तो आज हम करते हैं अपनी थार को अनलॉक और उसकी राइड करेंगे। तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना ही स्मूथ ये गेम चल रहा है। तो इसके अंदर मुझे एक इशू देखने को मिला है, जो कि अगर आपने भी प्ले किया होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, नाइट मोड जब होता है तो इसको भाई डे में होते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे काफ़ी ये बैड चीज़ लगी है, क्योंकि भाई अपडेट बाकी तो बिल्कुल ठीक है, नाइट मोड जो है इसका बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसकी पहले जो अपडेट थी उसके अंदर हमें नाइट मोड एक तो बहुत ही स्मूथ था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर नाइट मोड थोड़ा सही नहीं है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने उस क्वींस के पास, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ कलेक्ट। तो बाकी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने क्वींस हैं, कि थार को हम बैक कर सकते हैं या नहीं। तो अभी मैं कर लेता हूँ इसको बैक और चलते हैं हमारे मेन जो है इस पे गैराज पे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरे अभी 30,050 क्वींस हैं, तो थार जो है वो 40,000 की है। तो फटाफट से हम अपनी दोबारा से जो है उस क्वींस को कलेक्ट करते हैं एक बार दोबारा। तो ये रही हमारी बोलेरो, तो इससे मैं फटाफट से कर लेता हूँ शॉर्ट। तो बाकी यार मैं अभी आपको नाइट मूड के बारे में बता रहा था कि नाइट मूड जो है इस पर थोड़ा मुझे फेस करने को मिली है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी दोबारा से अपडेट किया जाए तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दो। बाकी अपडेट तो बहुत ही बढ़िया किस्म की ये निकाली है, कलर चेंज भैया आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जोन सा भी आपको अच्छा लगे। बाकी इसके अंदर हमें एक स्टेचू भी मिल जाता है। तो जो मिशन है, एक पहले वाली अपडेट के अंदर हमें मिशन देखने को मिलते थे, दो ऑप्शन थे, एक था फ्री मोड और एक था मिशन वाला, लेकिन इसके अंदर हमें एक ही मोड मिलता है, इसी के अंदर हमें जो है मिशन ही कर सकते हैं हम और भाई अपना फ्री राइड भी कर सकते हैं। तो आने वाली अपडेट के अंदर क्या कुछ अपडेट होगा उसकी वीडियो आपको मैं बना के दिखा दूंगा, अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी न्यूज़ मिलती है तो। बाकी अभी रिसेंटली यही अपडेट है ये, जिसके अंदर हमें थार मिल गई है, बोलेरो मिल गई है, बाकी XUV 700 बहुत ही बढ़िया किस्म की गाड़ियाँ देखने को मिली हैं। तो सिटी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, काफ़ी मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा है। आपको ये कैसा लगा है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दो। बाकी अपडेट, आप अपडेट को कितने नंबर दोगे, 10 में से कितने, जल्दी से वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दो। तो दोबारा से मैं पहुंच चुका हूं क्वींस के पास, तो मैंने इसको कर लिया कलेक्ट। अब हम चलते हैं अपने गैराज में और देखते हैं कि हमारे पास कितने क्वींस हैं। तो 50,050 क्वीन हो गए हैं। तो ये रही मेरी थार और ये रही स्कॉर्पियो, तो कौन सी मैं बाय करूँ जल्दी से बता दो। तो मेरा जो है थार का था, मैं थार को राइड करना चाहता था, तो मैं थार को ही बाय करता हूँ। स्कॉर्पियो को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाय, अनलॉक करेंगे। तो अभी हम जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ अपनी थार को अनलॉक, लेट्स गो। बाकी यार हमारी स्कॉर्पियो भी बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम अनलॉक करते हैं अपनी
जो थार है जो कि बहुत ही बढ़िया किस्म की ब्लैक कलर में है, तो इसका कलर भी आगे जाके चेंज करते हैं। तो लेट्स को आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने फाइनली अपनी थार को जो है अनलॉक कर लिया है। तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो कौन सा मैं कलर सेलेक्ट करूँ, रेड कलर कर लेते हैं क्योंकि रेड कलर में थार बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी यार आपको ये आज का गेम प्ले कैसा लगा है जल्दी से कमेंट्स में बता दो। बाकी जिस भाई का भी लैम्बोर्गिनी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे उनका मैंने जवाब दे दिया है कि लैम्बोर्गिनी की अपडेट जो है आपको 10 फरवरी को देखने को मिलेगी। हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन ये है कि रोहित भाई की तरफ से जो कन्फर्म है वो 10 फरवरी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से मेरे इंस्टा पर फॉलो करो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।